हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी रैम। फ्रेंड्स, हम आ गए हैं आज आपके लिए लेके डेली करंट अफेयर अपडेट्स। फ्रेंड्स, ये सीरीज़ हमारी आज से ही शुरू हो रही है। एंड फ्रेंड्स, आज हम टोटल 10 एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करने जा रहे हैं, जो कि आज के न्यूज़पेपर से मैंने कवर अप किया है। सो होप यू लाइक द वीडियो। सो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं सामने, इट इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज गिवन बाय होम। फ्रेंड्स, कौन है, कौन सी संस्था जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देती है? सो फ्रेंड्स, टेल मी योर आंसर। फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वो ना तो WEF होगा, ना ही वर्ल्ड बैंक होगा, ना ही UNEP होगा, बट इट इज़ UNDP। सो आंसर विल बी आंसर नंबर 4। सो फ्रेंड्स, वी विल मूव टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है उसी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में, कि उसमें जो अभी लेटेस्ट इंडिया की रैंकिंग आई है 2019 की, वो कौन से रैंक पे है, इंडिया कौन से रैंक पे है? तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं, लास्ट ईयर 2018 में इंडिया वाज ऑन 130th रैंक इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, बट इस ईयर इंडिया का जो रैंक है वो है ऑप्शन नंबर 4, इट्स 129th। सो फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट रिसेंटली इज गोइंग टू एस्टैब्लिश 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। फ्रेंड्स, ये अभी रिसेंट की न्यूज़ है, आज की ही न्यूज़ है। तो आपने न्यूज़पेपर के हेडलाइन में पढ़ा होगा कि UP इज द स्टेट विच इज गोइंग टू एस्टैब्लिश 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। सो फ्रेंड्स, वी विल मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है कि इंडिया की कौन सी ऐसी पहली ऑटोमोबाइल कंपनी है जिसने रिसेंटली अपने LGBTQ वर्कर्स के लिए सारी कपल्स वाली फैसिलिटी लॉन्च की है? सो फ्रेंड्स, जल्दी से आप इसका आंसर बता दो हमें। फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है टाटा ने। फ्रेंड्स, टाटा ने कल ही अभी लॉन्च की अपनी ये फैसिलिटी फॉर LGBTQ वर्कर्स जो कि उनके यहाँ काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडिया इज रिसेंटली गिवन अ हेल्प ऑफ 33.33 करोड़ रुपीज टू नासा फॉर अ मिशन डैश डैश। मीन्स यहाँ फिलअप करना है कि उस नासा के उस प्रोजेक्ट का क्या नाम है, और उस प्रोजेक्ट का काम ये है कि वो हमारे सैटेलाइट्स के ऊपर प्रोटेक्शन का काम करेगा कि कोई भी स्पेस डेब्रिस हमारे सैटेलाइट से टक्कर ना खा जाए। तो फ्रेंड्स, उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है हमें आप बताइए जल्दी से। फ्रेंड्स, जो प्रोजेक्ट का नाम है वो है प्रोजेक्ट नेत्रा। तो रिसेंटली अभी गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने 33.33 करोड़ दिया है नासा के प्रोजेक्ट नेत्रा के लिए। तो फ्रेंड्स, हम अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है कि हु रिसेंटली बिकेम मिस यूनिवर्स 2019। फ्रेंड, आज की ही ये लेटेस्ट न्यूज़ है, आज के न्यूज़पेपर में निकली थी, और ये इस साल फ्रेंड्स ये एक बहुत ही शॉकिंग नहीं कहेंगे, बस बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि इस साल की जो मिस यूनिवर्स हैं वो एकदम, उनका चुनाव एकदम अलग तरीके से हुआ है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप ऑप्शन देख सकते हैं, फ्रेंड्स जो ऑप्शन 1 है कैटरीना ग्रे, वो पिछले साल की मिस यूनिवर्स थी, मिस ऑफ 2018। तो फ्रेंड्स, इस बार की जो मिस यूनिवर्स हैं वो हैं जोजी बिनी टुंजी, एंड जोजी विनी टुंजी वॉन दिस ईयर मिस यूनिवर्स 2019। सो फ्रेंड्स, एंड वर्तिका सिंह आप ऑप्शन 3 देख सकते हैं, वो हमारे इंडिया से थी बट वो टॉप 10 रैंक में भी नहीं आ पाई हैं। एंड सना मारिन, फ्रेंड्स सना मारिन कोई मिस यूनिवर्स नहीं है, बल्कि वो अभी आज के न्यूज़ में था कि वो वर्ल्ड की सबसे यंगेस्ट बनने वाली प्राइम मिनिस्टर हैं। सो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये कि जोजी बिनी टुंजी जो अभी रिसेंटली मिस यूनिवर्स बनी 2019, वो किस कंट्री से हैं? तो फ्रेंड्स, इसका सीधा सीधा ऑप्शन है, सी इज फ्रॉम साउथ अफ्रीका। सो ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड, रिसेंटली जूलॉजिस्ट फाउंड सेकेंड जेंट अर्थवॉर्म इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, ये द हिंदू की न्यूज़ है, अभी वहाँ पे फर्स्ट भी मिला था और सेकेंड जो जेंट अर्थवॉर्म मिला है वो टोटल 75 सेंटीमीटर्स का मिला है। यू कैन जस्ट इमेजिन फ्रेंड्स, 75 सेंटीमीटर का अर्थवर्म।
सो फ्रेंड्स ये मिला है हमें कर्नाटका में। फ्रेंड्स हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स ये रीसेंट न्यूज से रिलेटेड क्वेश्चन है कि आर्टिकल 16(4)A जो कि गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था इंदिरा सोनी जजमेंट के बाद, तो फ्रेंड्स ये किस अमेंडमेंट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया था। ये हमने क्वेश्चन इसलिए डाला क्योंकि ये करंट के न्यूज़ से रिलेटेड था। सो फ्रेंड्स द अमेंडमेंट इज 77th अमेंडमेंट, सो ऑप्शन थर्ड विल बी राइट। फ्रेंड वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट्स बाय WHO एंड यूनिसेफ इंडिया रैंक इन अनवैक्सीनेटेड चिल्ड्रेन विथ मिजल्स इज। फ्रेंड्स अभी हाल ही में WHO एंड यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट दी थी जिसमें उन्होंने बताया था कि किस देश में कितने बच्चे अभी भी मिजल्स के एंटीवायरस से मीन्स एंटीडोट से अनवैक्सीनेटेड हैं। सो फ्रेंड्स इंडिया में अभी टोटल 2.3 मिलियन, जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन में ही, बच्चे अनवैक्सीनेटेड हैं और इंडिया का रैंक नाइजीरिया के बाद सेकेंड रैंक है। नाइजीरिया इज ऑन द टॉप और इंडिया इज ऑन द सेकेंड रैंक। फ्रेंड्स ये हमारे कंट्री के लिए थोड़ी सोचने वाली बात है। सो फ्रेंड वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही था। सो होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आप प्लीज़ प्रेस द बेल आइकॉन्स ताकि आपको इसके अपडेट पर डे मिलते रहें। और ये हमारा डेली करंट अफेयर सीरीज पर डे आएगा और ये आज 10 MCQs ही थे बट जितने करेंट अफेयर्स रहेंगे हम सारे कवर करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।